हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। दोस्तों, नॉर्मली हम ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं और अक्सर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स महंगे आते हैं, जिसकी वजह से हम उनका कंटिन्यू सेवन नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं दोस्तों, जिनका यूज़ करके हम इक्वली न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ इनकी कॉस्ट भी उतनी नहीं होती है। इनके बेनिफिट्स उतने ही होते हैं जितने बादाम या पिस्ता या अखरोट के होते हैं। और दोस्तों, ये खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं और किसी भी टाइम आप इनको खा सकते हैं, किसी भी समय में आप इनको खा सकते हैं, यानी कि किसी भी मौसम में इनका सेवन कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ड्राई फ्रूट के बारे में बताऊँगा, बहुत ही सस्ता है, खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है और उसके फ़ायदे अगर आप जानेंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली आप अपनी दिनचर्या में डेली बेसिस पर इस ड्राई फ्रूट का यूज़ करना शुरू कर देंगे। उस ड्राई फ्रूट का नाम है दोस्तों मखाना। मखाना एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसका यूज़ अक्सर दूध के साथ में किया जाता है या भून के इसको खाया जाता है। इसको आप किसी भी फॉर्म में खाएं, चाहे तो आप इसको पहले थोड़ा फ्राई कर लें, अक्सर इसको फ्राई करके ही यूज़ किया जाता है या खाया जाता है। उसके बाद में चाहे तो फ्राई करने के बाद में आप इसको डायरेक्ट खा लें और ऊपर से आप दूध पी लें, या आप उस भुने हुए मखाने को खाएं और ऊपर से आप कॉफ़ी पी लें, या अगर आप उस भुने हुए मखाने को दूध में पकाकर तब खाना चाहते हैं तो दोस्तों ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आइए जानते हैं कि मखाना स्पेसिफिकली अगर आप सर्दियों में खाते हैं या गर्मियों में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, बस गर्मियों में थोड़ा कम क्वांटिटी में हमें इसका सेवन करना होता है। इसके बादाम, किशमिश, पिस्ता, चिलगोजे, अखरोट और मखाने में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वैसे तो सारे सूखे मेवे ही गुणों से भरपूर होते हैं, लेकिन मखाना ठंड में स्पेसिफिकली कई सारी बीमारियों से हमारे शरीर को बचा कर रखता है। इसमें प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिंस, कैल्शियम, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व शरीर के पोषण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब दोस्तों, इसके जो होने वाले बेनिफिट्स हैं वो अनगिनत हैं। ये दिल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। मखाना केवल शुगर के मरीजों के लिए ही नहीं है, बल्कि हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इनके सेवन से दिल स्वस्थ रहता है और पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहती है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को यौन रोगों की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो अलग अलग तरीके की कुछ दवाइयाँ खाते हैं या किसी हकीम से दवाइयाँ खाते हैं। लेकिन अगर आपको भी अपनी यौन शक्ति बढ़ानी है तो भी आप इस मखाने का यूज़ कर सकते हैं। आप मखाने को भूनकर एक चम्मच घी में आप एक मुट्ठी मखाने को अच्छी तरीके से फ्राई कर लें, जैसे पॉपकॉर्न फ्राई करते हैं इसी तरीके से फ्राई कर लें, और आप अगर चाहें तो 2-3 दिन के लिए इसको उठाकर भी रख सकते हैं। उसके बाद में आप इसका सेवन या तो रात को सोते समय लगभग एक मुट्ठी मखाने, यानी कि 15-20 मखाने आप खा के ऊपर से दूध पी लें, या आप सुबह सुबह भी इसको खाकर एज ए नाश्ते के तौर पर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप इन मखानों को खाकर दोस्तों ऊपर से कॉफ़ी पी लें, वो सेक्सुअल लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसी तरीके से दोस्तों, लेडीज़ के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। मखाने में जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और फास्फोरस आदि पोषक तत्व होते हैं, ये हमारी कमोत्तेजक को बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही जो शुक्राणुओं की क्वालिटी होती है उसको बेहतर करने के साथ साथ उनकी संख्या को भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, इसके और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे जोड़ों के दर्द के लिए मखाने में कैल्शियम भरपूर होता है, जिससे ये जोड़ों के दर्द के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इनका सेवन जोड़ों के दर्द में, गठिया में जैसे जो मरीज होते हैं इन दोनों प्रॉब्लम से ग्रसित, वो अगर इसका रेगुलर बेसिस पर सेवन करते हैं 10-15 मखानों का, तो उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। पाचन तंत्र को सुधारता है। मखाना एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो सभी आयु के जो लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। बिल्कुल छोटे बच्चों को तो इसको नहीं खिलाना चाहिए, इसके अलावा कोई भी इसका सेवन कर सकता है। इसके अलावा जो फूल मखाने में एस्ट्रोजन गुण भी होते हैं, जिससे ये दस्त जैसे प्रॉब्लम से भी राहत देता है और भूख में सुधार करने के लिए भी मददगार होता है। किडनी के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। फूल मखाने में मीठा बहुत कम होने के कारण ये स्प्लीन को डिटॉक्सिफाई करता है। किडनी को मजबूत बनाने और ब्लड को बेहतर रखने के लिए मखाने का नियमित सेवन करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ दोस्तों, ये शुगर के पेशेंट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आप मखाने के 4 दानों का सेवन करके शुगर के लिए हमेशा से निजात पा सकते हैं। इसके सेवन से शरीर में इंसुलिन बनने लगता है और शुगर की मात्रा कम होती जाती है, फिर धीरे धीरे शुगर रोग भी खत्म होता चला जाता है। तो आप डेली बेसिस पर लगभग
आठ या दस मखाने भी अगर खाते हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और आप इस मखाने को, ये फूल मखाने के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इसको लोटस सीड भी बोलते हैं, तो आप इसको किसी भी किराना स्टोर से या बाहर जो पंसारी की दुकानें होती हैं या जो परचून की दुकानें होती हैं वहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं। ये 250 ग्राम आप ख़रीद कर रख लें, 250 ग्राम ही, ये काफ़ी क्वांटिटी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप इसको एक बार फ्राई करें, लगभग 50 ग्राम मखाने को आप एक चम्मच घी में फ्राइंग पैन में उसे गर्म कर लें, फिर उनको भून लें जिस तरीके से हम पॉपकॉर्न तैयार करते हैं उसी तरीके से, और फिर आप इसको उठा के एक डिब्बे में भर कर रख दें किसी नॉर्मल टेम्परेचर की जगह पर, और फिर आप इसको खाते रहें। इसको खाने के बाद में आप या तो कॉफ़ी या दूध ज़रूर पिए, तभी इसका आपको बेनिफिट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इससे रिलेवेंट अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल देसी नुस्खे को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।